तो इस वीडियो में हम लोग रिक्रिएट करेंगे इस फोल्डर आइकॉन को, तो आप ये फाइनल आउटपुट देख सकते हो जिसको मैंने क्रिएट किया है कोरल ड्रॉ में। काफ़ी इजी है, ग्रेडियंट्स के बारे में, शैडोज़ के बारे में एक अच्छी स्टडी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं इसको क्रिएट करना। मैं एक न्यू पेज लूँगा जिसका डायमेंशन आप कुछ भी रख सकते हो, और आपको नज ऑफसेट 10 पिक्सल रखना है। नज ऑफसेट मीन्स जब कीबोर्ड से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करते हो उसको नज ऑफसेट कहते हैं। तो मैंने एक रेक्टेंगल लिया रेक्टेंगल टूल से, और इसका जो डायमेंशन है मैंने रखा 800 बाय 500। ठीक है, तो 8 बाय 5 के रेशियो में मैंने इसको लिया, और इसको मैंने कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। राइट क्लिक करके मैंने इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। कन्वर्ट टू कर्व करने से ये जो एंकर पॉइंट्स है इस लेवल पर आप एडिट कर सकते हो इस ऑब्जेक्ट को। तो मैंने इन सभी एंकर पॉइंट्स को जो कि अभी लीनियर हैं कर्व कर दिया। कर्व करने से क्या होता है, हमको अलग अलग कर्व हैंडल मिलते हैं, एक स्मूदर शेप मिलता है। तो मैंने क्या किया, 1 2 3 तीन बार इसको बाहर की तरफ पुश किया, और इधर से भी 1 2 3, और अब की मैं कर्व हैंडल को क्लिक करूँगा और 1 2 3, तो कुछ इस तरह का हमको शेप मिल रहा है जो हमारे रियल आइकॉन में होता है। यहाँ पर भी वही चीज़ हमें रिपीट करनी है, 1 2 3। अब आप जैसा कि देख सकते हो कि जो राउंड इसके जो कॉर्नर्स हैं वो काफ़ी राउंडेड हैं, तो ये कॉर्नर्स को राउंड हम कैसे करें। तो आप विंडोज़ मेन्यू में जाएंगे, डॉकर्स मेन्यू में जाएंगे, और यहाँ पर आपको एक विंडो मिलेगा, एक डॉकर मिलेगा, फिलेट स्कैलप शैम्पो। मेरा ऑलरेडी ये ओपन है यहाँ पर, और किसी भी एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके आप उसको राउंडेड बना सकते हैं। तो मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, ऊपर वाले जो पॉइंट्स हैं, और इसका मैंने रखा 25। आप देख सकते हो ब्लू कलर का आपको प्रीव्यू मिल रहा है जो आपके कॉर्नर्स हैं। 25 तो नहीं, इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 35 करते हैं, और मैंने इसको अप्लाई किया। और नीचे भी हमको करना है, लेकिन इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं, नीचे केवल 15 वैल्यू लेकर के, जो रेडियस है 15 पिक्सल, केवल उतना ही मुझे चाहिए, और मैंने अप्लाई किया। अब सिंपली मैंने इस ऑब्जेक्ट को एक फ्लैट कलर दे दिया। फ़िलहाल के लिए आप कुछ भी कलर दे सकते हैं, और राइट क्लिक करके हमने इसकी आउटलाइन को हटा दिया, और मैंने इसको डुप्लीकेट किया, और फ़िलहाल के लिए इसको कोई भी कलर मैंने दे दिया, और थोड़ा सा 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ इसको एरो की से अप किया मैंने, थोड़ा सा पुश किया, और इसको पीछे मुझे भेजना है ये जो येलो ऑब्जेक्ट है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑर्डर चेंज करने के लिए कंट्रोल के साथ में पेज अप या पेज डाउन, तो पेज डाउन से ये पीछे की तरफ चला जाएगा। अब सिंपली मैं शेप टूल को लूँगा और इन एंकर पॉइंट्स को इस साइड सेलेक्ट करूँगा, बाय द वे ये पीछे वाला ऑब्जेक्ट है, और 1 2 3 4 5, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5। आप अगर काउंटिंग करके करोगे तो थोड़ा एक्यूरेसी आपको मिलेगी। अब ये वाला पोर्शन हमको क्रिएट करना, जो टैब है आपका, तो ये टैब वाला पोर्शन क्रिएट करने के लिए मैंने 260 पिक्सल्स का एक स्क्वायर बनाया कंट्रोल प्रेस करके, और इस स्क्वायर को सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा करके इस पीछे वाले ब्लू ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, टी से टॉप लाइन किया, एल से मैंने लेफ्ट लाइन, और इसके साथ भी हम वही करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और अब हम इसको और पीछे वाले ऑब्जेक्ट को साथ में वेल्ड कर देंगे, तो कुछ इस तरह का शेप हमको मिलता है। और यहाँ पर हम इन कॉर्नर्स को राउंड करेंगे, तो 25 पिक्सल्स मैंने वैल्यू रखी, और मैंने यहाँ पर प्रीव्यू देखा, अप्लाई कर दिया, और सेम चीज़ हमको यहाँ करनी है। तो 25 पिक्सल्स ये हो गया, और 25 पिक्सल्स ये हो गया, काफ़ी ज़्यादा हो गया, इस वजह से हमारा शेप जो था वो ओपन हो गया। तो इसको थोड़ा सा हम कम करेंगे, 15 पिक्सल्स भी ज़्यादा हो रहा है, 10 पिक्सल इज़ ओके। अब सिंपली मुझे इसको कलर करना है, तो आप कलर देख सकते हो, सटल सा ब्राउन है और लाइट ब्राउन है। तो हम सेलेक्ट करेंगे आगे वाले ऑब्जेक्ट को, और जी की को प्रेस करेंगे जिससे हमारा ग्रेडियंट एक्टिव हो जाता है। हमने लीनियर ग्रेडियंट चूज़ किया, लीनियर मीन्स पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और इसको हम रोटेट करेंगे 90 डिग्री। तो ये जो गिज़्मो था ये रोटेट हो गया, अब ये ऊपर वाइट है और नीचे येलो। तो मैं इसको कंट्रोल प्रेस करूँगा, बिल्कुल ये स्ट्रेट मूव कर रहा है कंट्रोल प्रेस करने से, और यहाँ स्नैप कर दूँगा, और इसको मैं इस एज पर स्नैप कर दूँगा। अब सिंपली कलर्स को पुट करने की बात है,
तो यहाँ पर कुछ कलर्स मैंने ऑलरेडी पैलेट में यूज़ किए हुए हैं और थोड़ा सा इसको लाइट, ऊपर वाले कलर को लाइट करेंगे। तो मैंने कंट्रोल प्रेस किया और वाइट वाले पर क्लिक 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 करने पर ही आप देख सकते हो कलर लाइट हो रहा है हमारा। अब ये एग्जैक्ट कलर मुझको यहाँ पर अप्लाई करना है, तो एग्जैक्ट कलर यानी ग्रेडियंट की पोजीशन के साथ में इसको अप्लाई कैसे करें। तो यहाँ पर दो तरह के आई ड्रॉपर टूल हैं, तो हमको चूज़ करना है एट्रीब्यूट्स आई ड्रॉपर टूल। एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर टूल एग्जैक्टली ग्रेडियंट को पोजीशन के साथ कॉपी करता है। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा हमको कलर मिला पीछे की तरफ। अब मैं जी की को प्रेस करूँगा, इस ग्रेडियंट का जो ये वाला कलर है इसको इस एज पर स्नैप कर लूँगा। तो आप देख सकते हो जो मेरा टैब है वो अच्छा, टैब वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हो। अब सिंपली हमको शैडो देनी है, शैडो लेकिन यहाँ पर देनी है। तो मैंने शैडो टूल लिया और यहाँ पर एक प्रीसेट आप चूज़ कर लो, स्मॉल ग्लो, और इसका जो कलर है वो हम डार्क रखेंगे और जो ब्लेंड मोड है वो मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई की वजह से ये जो कलर है शैडो का पीछे वाले कलर से मिक्स होता है जैसा रियल वर्ल्ड में होता है। शैडो का डायरेक्शन हम आउटसाइड रखेंगे और शैडो की फेदरिंग को इनवर्स स्क्वाड कर देंगे जिससे आपकी जो शैडो है काफ़ी स्मूद आती है। इसकी ट्रांसपेरेंसी को 25% रखेंगे और इसका जो शैडो का फेदरिंग है उसको रखेंगे केवल 3। थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो, मैंने 5 कर दिया, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं इसको, 10 कर दिया। अब एक प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ रही है कि ये शैडो यहाँ से ये लीक हो रही है, ऐसा हमको नहीं चाहिए। शैडो केवल इस फोल्डर, इस टैब के ऊपर हमको चाहिए, तो शैडो को हम अलग करेंगे इस ऑब्जेक्ट के साथ। तो मैंने राइट क्लिक करके एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ब्रेक ड्रॉप शैडो ग्रुप अपार्ट। तो अब ये शैडो तो अलग हो गई इस ऑब्जेक्ट से और इस शैडो को हम राइट क्लिक करके पावर क्लिप कर देंगे। पावर क्लिप मीन्स इस पीछे वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी, आप देख सकते हो शैडो चली गई जिससे हमको एक एक्यूरेट शैडो मिल रही है। अब सिंपली हम पूरे इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और जब हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे आगे और पीछे वाले शेप को, तो यहाँ कुछ ऑप्शंस एक्टिवेट हो जाते हैं। तो मैंने इस क्रिएट बाउंड्री को चूज़ किया और यहाँ पर एक हल्की सी आउटलाइन दे देंगे जैसा कि रियल आइकॉन में होता है, और इसकी थिकनेस हम 2 पिक्सल कर देंगे। और इस आउटलाइन को आप चाहो तो पीछे की तरफ आप सेंड कर सकते हो, तो कंट्रोल के साथ में एंड, बिल्कुल इसका जो ऑर्डर है बिल्कुल पीछे ही चला गया। इसको चाहो तो आप कलर वाइट दे दो और इसकी शैडो थोड़ी सी शैडो दे देंगे इसको, स्मॉल ग्लो मैंने चूज़ किया। और वही सारे स्टेप्स आपको फिर से, मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड, ब्लैक कलर का शैडो, आउटसाइड इसका डायरेक्शन, फेदरिंग इनवर्स स्क्वायर्ड, इसका 25 ट्रांसपेरेंसी और जो फेदरिंग है वो 5। तो अब आप देख सकते हो कि फोल्डर आइकॉन आपका रेडी हो चुका है। अब अगर आप इसको डुप्लिकेट करोगे तो आप देख सकते हो कि शैडो पीछे वाले कलर के साथ मर्ज हो रही है। तो उम्मीद है ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा और इसे प्लीज़ आप इस तरह के असाइनमेंट को प्रैक्टिस करिए। जो रियल आइकॉन्स होते हैं वो भी इसी तरह के सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन होते हैं, और अगर आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो एक अच्छी स्टडी आपको मिलेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।